हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। बिफोर डिस्कसिंग ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एज वेल एज द बेल आइकन, सो दैट आप हमारे आने वाले वीडियोज़ को भी देख सकें। तो आइए डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो बेसिकली अभी तक हमारा जो कम्युनिकेशन होता था वो किसी कॉपर वायर के थ्रू होता था, जो जिसमें डेटा रेट या डेटा ट्रांसफर रेट बहुत कम हुआ करता था। इसलिए हम जो अब जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है वो है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। इसमें कम्युनिकेशन जो होता है वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होता है। इसमें जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, इसमें जो मीडियम होता है इसके अंदर, वो होता है एक ग्लास। ग्लास के थ्रू लाइट उसके अंदर पास की जाती है और लाइट में डेटा को मॉड्यूलेट करके भेजा जाता है। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके जनरेशन के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर जो जनरेशन है इसकी अभी तक 5 जनरेशन है। इसमें फर्स्ट जनरेशन में जो डेटा रेट होता था वो 45 Mbps तक होता था और जो रिपीटर स्पेसिंग होती थी वो 10 किलोमीटर तक होती थी, मतलब 10 किलोमीटर के बाद वहां पर रिपीटर लगाना पड़ता था। सेकेंड जनरेशन में डेटा रेट बढ़ गया, हो गया 100 Mbps से 1.7 Gbps तक और जो रिपीटर स्पेसिंग होती थी वो 50 किलोमीटर तक बढ़ गई। थर्ड जनरेशन में जो डेटा रेट था वो 10 Gbps तक हो गया और रिपीटर स्पेसिंग हो गई 100 किलोमीटर तक। अभी तक हम लगभग यही जनरेशन हमारी चल रही है जो हम लोग यूज कर रहे हैं। फोर्थ जनरेशन में है 10 Tbps और रिपीटर स्पेसिंग इज ग्रेटर देन 10,000 किलोमीटर। फिफ्थ जनरेशन आता है, उसमें जो डेटा रेट है वो है 40 to 160 Tbps एंड जो रिपीटर स्पेसिंग है वो है 24,000 से 35,000 किलोमीटर तक। तो ये था जनरेशन के बारे में। अब आइए देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम। इसमें कुछ ब्लॉक डायग्राम जो मेन ब्लॉक्स हैं वो मॉड्यूलेटर, कैरियर सोर्स, चैनल कपलर, इंफॉर्मेशन चैनल, डिटेक्टर, एम्पलीफायर और प्रोसेसिंग। सबसे पहले आता है मैसेज इनपुट। मैसेज इनपुट का मतलब कि जैसे जो हम बोल रहे हैं या जो कोई इमेज है वो हमारा हो गया मैसेज इनपुट। ये मैसेज इनपुट हमारा इस मॉड्यूलेटर में जाता है, लेकिन मॉड्यूलेटर में जाने से पहले इसके पहले एक और स्टेज होती है, वो होती है ट्रांसड्यूसर। सपोज जो हम बोल रहे हैं वो वॉइस या एनालॉग सिग्नल है, तो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर ट्रांसड्यूसर भी यूज करते हैं। फिर ये जाता है मॉड्यूलेटर में। मॉड्यूलेटर में जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो मॉड्यूलेट होता है, यहाँ पर मॉड्यूलेशन यूज किया जाता है। फिर उसके बाद मॉड्यूलेशन के बाद ये जाता है कैरियर सोर्स में। जो मॉड्यूलेशन के बाद जो हमारा मैसेज आ रहा है उसका जो उसको अब लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो वो काम करता है कैरियर सोर्स का। कैरियर सोर्स यहाँ पर क्या होता है, या तो लेजर होता है या फिर एलईडी, इन दोनों के माध्यम से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद आता है चैनल कपलर। चैनल कपलर क्या होता है, जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर और जो लाइट है इन दोनों को जोड़ने के काम आता है चैनल कपलर। फिर आता है इंफॉर्मेशन चैनल। यहीं पर हमारा जो होता है वो ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है। यहाँ पर इस चैनल कपलर के बाद इस ऑप्टिकल फाइबर में हमारा मैसेज लाइट के थ्रू ट्रांसफर होता है। ये तीनों ब्लॉक्स मिलके ट्रांसमीटर का कहलाता है और इधर हमारे ये तीन ब्लॉक्स मिलके रिसीवर कहलाता है। इंफॉर्मेशन चैनल में हमारे जो रिपीटर होते हैं वही इसी ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में ही रिपीटर भी लगाए जाते हैं। सपोज कोई इंटरफेरेंस आता है या कोई सिग्नल वीक होता है तो हमारे रिपीटर से उसको एम्पलीफाई करके आगे भेजा जाता है। फिर जब ये हमारा रिसीवर साइड पे पहुंचा तो ऑप्टिकल डिटेक्टर इस जो लाइट सिग्नल होता है उसको डिटेक्ट करता है। ऑप्टिकल डिटेक्टर में हमारे जो फोटो डायोड होते हैं वो लगे होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एम्पलीफायर में जो हमारा जो ऑप्टिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हुआ उसका एम्पलीफिकेशन होता है। प्रोसेसिंग सिग्नल में यहाँ पर जब एम्पलीफाई होने के बाद उसका फिल्ट्रेशन होता है, उसमें कोई नॉइज होता है वो उसमें से रिमूव किया जाता है और फिर फाइनली यहाँ पर अगेन जो हमारा एक ट्रांसड्यूसर लगा होगा या जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल होगा
उसको वॉइस में या एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए ये यहाँ पर एक ट्रांसड्यूसर लगेगा और फिर हमें मिल जाएगा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल, चाहे वो टेक्स्ट हो या फिर चाहे वो हमारा वॉइस हो। इसके बाद आगे आते हैं हम इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन के ऊपर। एडवांटेज में सबसे पहले इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे नॉर्मल कॉपर वायर कोएक्सियल केबल से इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, तो इसमें डेटा ज़्यादा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके लॉसेस कम होते हैं और जो इम्यून टू क्रॉस टॉक, जो अभी तक हम लोग देखते थे कि बात करते समय एक दूसरी जगह कॉल चले जाता है, लेकिन इसमें ये क्रॉस टॉक्स कम होता है। इसका वेट कम होता है, स्मॉल साइज जो इसके ट्रांसमीटर रिसीवर का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ये सिक्योर होता है, इसमें जो हमारा डेटा होता है जो ट्रांसफर हो रहा होता है वो सिक्योर होता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए भी फायदेमंद है, मतलब अगर हमें कहीं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है तो इसके हम ऑप्टिकल फाइबर यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज में ये है कि इसका जो इनिशियल कॉस्ट है, जो इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो ज़्यादा होता है। फाइबर लॉसेस इसमें होते हैं, जो इसके इंटरनल जो ग्लास है उसमें जो लॉसेस होते हैं उसकी वजह से कुछ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है। इसकी रिपेयरिंग कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, अगर कहीं पर फॉल्ट आ जाता है तो उसको रिपेयर करने में इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है। एंड इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव फॉर शॉर्ट लिंक्स, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन फाइबर से करवाते हैं तो ये चीप पड़ता है, लेकिन अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेशन करवाएंगे तो ये महंगा पड़ता है। एप्लीकेशन में ये हमारे टेलीफोन नेटवर्क्स में यूज होते हैं, आप बात करने के लिए यूज कर सकते हैं। और ब्रॉडबैंड सर्विसेज, हमें अगर इंटरनेट सर्विसेज चाहिए जहाँ पर हमें डेटा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए भी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन यूज किया जाता है। तो ये था एक जनरल ओवरव्यू ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक प्रेस कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें, जिससे मैं आपके लिए बेहतर वीडियोस लाता रहूँगा।